24 करोड़ जारी है और दो चरणों का मतदान हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सूबे के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती। मंत्री जी, दो चरण का मतदान हो चुका है, क्या हालात नजर आ रहे हैं? दोनों चरण में सारी सीटें बीजेपी जीतेगी, यह ग्राउंड रिपोर्ट से मालूम हुआ। विपक्ष हमला कर रहा है कि चुनाव के 11 दिन बाद दोनों चरणों में 3-3% के मत की बढ़ोतरी किया है आयोग ने, क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से भी, अपने बूथ के अध्यक्षों से, अपने सेक्टर के प्रभारियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की थी कि मत प्रतिशत में इजाफा हो और उत्सव की तरह इस मतदान में वो उत्सव की भांति इसे संपन्न कराने में कार्यकर्ता प्रतिभाग करें। मौसम गर्मी के कारण थोड़ा जो मत प्रतिशत 19 के सापेक्ष कम हुआ है, तो मैं मानता हूं कि इस तरह का मतदान जब होता है उसमें भाजपा ही प्रचंड बहुमत से जीतती है और निश्चित जीतेगी। क्या कारण है कि लोगों में उत्साह नहीं है, मत प्रतिशत गिरने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जनप्रतिनिधि वर्षों वर्षों तक रहा हूं, मुझे मैं जहां जाता हूं वहां उत्साह से लबरेज कार्यकर्ता मिलते हैं। आप लोगों के माध्यम से ही मालूम होता है कि उत्साह नहीं है, तो उसके पीछे अगर आपका कोई आकलन है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, अगर आपका कोई आकलन है तो उस पर हमारा दल ये प्रयास करेगा कि अगर कहीं कम उत्साह है तो वहाँ लोग मिलें और उनसे मोदी जी को मजबूत बनाने के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के विकास के लिए जो कहा है उसमें जोश भरने के लिए कार्य करेंगे। लेकिन बड़े नेता तो 400 पार के नारे से पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं। मैंने कहीं सुना नहीं इसको, और हमारा अब भी है कि हम 400 के पार का लक्ष्य प्राप्त करें और उसमें प्रतापगढ़ की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे कि प्रतापगढ़ के यश में कोई कमी ना आए। विपक्ष दावा कर रहा है कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, क्या लगता है कितना सही? अब विपक्ष अगर इस तरह की बात न करे तो उसमें साहस नहीं है, उसके पास कुछ बचा नहीं है जो भाजपा के सामने खड़े होके वो कह सके। इसको कह के वो अपने कार्यकर्ताओं को धोखा भी दे रहे हैं और देश के विकास का विरोध कर रहे हैं। क्या कारण रहा है कि सरकार 10 साल रही, उसके बाद अपनी उपलब्धियों के बजाय मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान पे वापस आ रही है? मंगलसूत्र हमारी भावनाओं का की आस्था है और हमारे सामाजिक जो हमारी भावना है भारतीय जनता पार्टी की, हिंदुत्व का जो हमारा एजेंडा है उसके सम्मान का वो प्रतीक है। कांग्रेस के नेताओं ने जब कुछ इस तरह का विचार व्यक्त किया जिसमें महिलाओं स्त्री धन पर जब उनका प्रहार हुआ, तो हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी बहन और बेटियों के उस सम्मान के प्रतीक की रक्षा की बात कही, तो मंगलसूत्र किसी भी सुहागन बहन का सम्मान है और उसके सुहागन होने का एक प्रमाण भी है। इस दृष्टि से अपनी नारी शक्ति, हम नारी सशक्तिकरण पर काम करते हैं, इसलिए नारी सम्मान की दृष्टि से उसको अपना संकेत मानते हुए हमने सम्मान व्यक्त किया, उसके पीछे और कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं था। प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी दादी ने 336 ग्राम सोना और मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान किया है, सेना को दान दिया है युद्ध के दौरान, तो वहीं मेरी माँ का मंगलसूत्र देश पे कुर्बान हो गया है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो बेटी थी, पंडित मोतीलाल नेहरू की वो पोती थी, और भारत की संस्कृति में उनका जन्म हुआ था
अगर उन्होंने देश के नाम अपने मंगलसूत्र और अपने स्वर्ण आभूषण को समर्पित किया तो उसी देश ने इंदिरा गांधी को अखंड राज्य करने के लिए देश का प्रधानमंत्री भी बनाया, तो अगर उनमें भारत के प्रति भाव न होता तो शायद वो समर्पण जो समर्पित किया उन्होंने अपने मंगलसूत्र को, शायद वो न कर पाते। आने वाली उनकी जो संतानें हैं वो वही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भारत का समाज और भारतीय उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों पर। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।